दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां जिले से हर महीने करीब 2 दर्जन लड़कियां गायब हो रही हैं। इनमें से कई हैवानियत का शिकार भी होती हैं। लगातार हो रही घटनाओं से चिंता बढ़ती जा रही है। लड़कियों के गायब होने की सर्वाधिक घटनाएं ग्रामीण इलाकों में होती हैं, जहां 14 से लेकर 17 साल तक की लड़कियां गायब हो रही हैं। बहकावे में आकर घर छोड़कर परायों के साथ चली जाती हैं। 1 जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में 110 से अधिक लड़कियों के लापता होने की जानकारी है। इसमें से 80 से अधिक नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं शेष लड़कियों की बरामदगी अभी नहीं की जा सकी है, जिन्हें साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। ज्यादातर लड़कियां पुलिस ने महाराष्ट्र, प्रयागराज, दिल्ली से बरामद की हैं। लड़कियों की गुमशुदगी चिंताजनक है। आपको बता दें कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लड़कियों का बलात्कार भी हो चुका है। झांसा देकर लाई गई लड़कियों में आधा दर्जन को तो बंधक बनाकर दरिंदगी का शिकार बनाया गया। बरामद होने के बाद उनके बयान में हैवानियत का दर्द सामने आया है। जिले से लापता हो रही लड़कियों के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल SP ने बताया कि महिला अपराधों को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी है और लापता लड़कियों की तलाश की जा रही है। आइए सुनते हैं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने इस मामले में क्या कहा। इसमें रीवा जिले से करीब 114 बच्चियां जो हैं, नाबालिग बच्चियां अभी तक गई हुई थी, जिनके मैं 363 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उन 114 बच्चियों में से जो काफ़ी बच्चे पुलिस ने दस्तयाब किए हैं, करीब 80 के आसपास बच्चियाँ दस्तयाब हुई हैं वो, और इसके अलावा पुराने बच्चियाँ भी टोटल इन 4 महीनों में हमने 196 बच्चियाँ दस्तयाब भी की हैं, जिसमें से 2012 से लेके 2021 तक की बच्चियाँ हैं जिनको पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया है। टोटल अभी जो दस्तयाब संख्या है इन 4 महीनों में 196 थी, और मई महीने में और भी बच्चियाँ दस्तयाब हुई हैं, उसके आंकड़े भी इसमें जुड़े नहीं हैं। तो देखा जाए किस तरह बच्चे गायब हुए, तो क्या कुछ कारण सामने निकल के आ रहे हैं, क्या है कारण? इसमें ज़्यादातर 16 से 18 साल के बीच की बच्चियां होती हैं। इसमें मैक्सिमम जो कारण निकल के आया है वो प्रेम प्रसंग के मामले भी आए हैं, प्रलोभन के द्वारा भी, शादी का झांसा देने वाली भी बातें आई हैं थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन इसमें ज़्यादातर मामले जो हैं वो प्रेम प्रसंग के संबंध में रहते हैं, जिसके कारण से ये बच्चियाँ अपने उसमें प्रभाव में आगे चली जाती हैं। पुलिस को फिर प्रकरण पंजीबद्ध करती है और आवश्यक कार्रवाई करती है। परिवार वालों के लिए आपकी तरफ से कुछ अपील किस तरह से अपने बच्चों को संभालने क्या है? सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को, जिसमें खास तौर से लड़की के भाई, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, इस तरह के जो लोग हैं जिस परिवार में उसके टच में हैं, वो जो नशे की आदत में रहते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग उनके घरों में कहीं ना कहीं से पैड बनाते हैं, उनसे संपर्क संबंध में रहते हैं। और बच्चियां क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित हो जाती है जो उनकी थोड़ी बहुत इच्छा पूरी करते हैं। कोमल मन होता है, बच्चियां छोटी होती हैं, समझ पाती नहीं है कि क्या है। दूसरा, कभी कभी परिवार के लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि बच्ची किसके संपर्क में है, किससे बातचीत कर रही है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें परिवार के लोग जब ध्यान नहीं दे पाते और बच्ची किसी के ऐसे बंदे के संपर्क में चली जाती है तो उसके कारण से घटनाएं घटित होती हैं। तो परिवार के लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ किससे बातचीत कर रही है, किन यार दोस्तों के संपर्क में है। जब सब चीज़ें परिवार के संपर्क में रहेंगी और उससे बातचीत भी करते रहें लगातार, जिससे बच्ची परिवार से खुली रहे, तो वो सारी चीज़ें शेयर करती रहती है, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी।